दोस्तों आधार कार्ड धारकों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है, एक नहीं बल्कि दो दो। देखिए सभी आधार कार्ड होल्डर्स के लिए सरकार की तरफ से दो बड़े अपडेट नए नियम लागू किए जा रहे हैं और ये बड़े बदलाव आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। पहला अपडेट तो ये है, सरकार ने करोड़ों आधार कार्ड होल्डर्स को बड़ा फायदा दिया, आधार में फ्री अपडेट कराने की तारीख को बढ़ा दिया। अभी तक आपको बताकर सरकार ने 14 मार्च तक की तारीख तय कर रखी थी UIDAI उदय की तरफ से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उदय आधार कार्ड को हैंडल करने वाली संस्था, उसके द्वारा अभी 14 मार्च तय कर रखी थी फ्री आधार कार्ड अपडेशन की, लेकिन उस तारीख को बढ़ाकर 14 जून कर दिया। मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने आगे बढ़ा दिया। 3 महीने तक आप अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कर पाएंगे बिना कुछ एक रुपया भी दिए। इसके लिए आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, myaadhar.uday.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर के भी आप अपने आधार कार्ड की डिटेल को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप अपने नजदीकी CSC सेंटर आधार सेवा केंद्र के जरिए भी करा सकते हैं। ये इसका फॉर्म है, आधार एनरोलमेंट करेक्शन और अपडेट फॉर्म। ये आपको ऑफिशियली उदय के पोर्टल से भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो पहला अपडेट तो ये हो गया। चलिए दूसरा अपडेट देखिए, छोटे बच्चों के लिए, बच्चों के आधार कार्ड बनाने में अब डिजिटल प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे ताकि आधार कार्ड बनाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। असल में कई ऐसे पेरेंट्स माता पिता थे वो इस कारण से बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में उन्हें आधार सेंटर के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं, लेकिन अब बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए पिता के आधार कार्ड के साथ ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो देना जरूरी होता है वो ओरिजिनल नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, अब डिजिटल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। मतलब आपके फोन में PDF पड़ी, फोटो पड़ी है ना, तो उसका भी आप फोटो कॉपी निकाल करके दे दोगे ना, तब भी आपके बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आधार कार्ड को लेकर ये दो बड़े अपडेट नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, नए नियम, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए आप DLS न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।